अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। क्या कारण है दुनिया में सिर्फ 2-3% ही लोग कामयाब होते हैं? क्या कारण है हमारे देश में हर एक घंटे में एक बच्चा खुदकुशी कर रहा है? माँ बाप कहते हैं कि बड़े होकर बड़े आदमी बनो। टीचर कहते हैं कि अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो जिंदगी में सफलता हासिल होगी, मगर कोई ये नहीं बताता कि बड़ा आदमी कैसे बना जाए और सफलता कैसे हासिल की जाए। क्या वजह है कि कुछ लोग रिटायर होने के बाद जिंदगी से उब जाते हैं और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं? इनसे जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हर गुरुवार हीरोज क्वेस्ट प्रोग्राम में कर्नल संजीव सिरोही के साथ, ओनली ऑन firstbite.tv। नजरें उठाई तो दूर तलक अंधेरी छाई थी, राहों से निकले तो सौ सौ मुश्किलें आई थी, पर हमने हर ना उम्मीदी में उम्मीद की मशाल दिल में जलाई है, तभी तो सितारों से झिल मिलाती मंजिल हमने पाई है। मेरा नाम कर्नल संजीव सिरोही, मैं आपका हीरो क्वेस्ट प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है मेरी कहानी मेरी जुबानी। बचपन से ही मेरा शौक था एक आर्मी ऑफिसर बनने का। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में सैदपुर गांव में हुआ। 1960 में मेरी फैमिली दिल्ली में शिफ्ट कर गई और मुझे बाल भारती एयरफोर्स स्कूल में एनरोल कराया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गांव का बच्चा सीधा उसको दिल्ली जैसे शहर में ले जाया जाए और उसको जो है इंग्लिश स्कूल में भर्ती करा दिया जाए तो उस बच्चे के दिल पे क्या बीतती होगी। मेरे को ना इंग्लिश आती थी, सारे सब्जेक्ट्स सिवाय हिंदी के इंग्लिश में पढ़ाए जाते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं पढ़ाई में पीछे होता चला गया। यहाँ तक कि क्लास में अगर कोई टीचर सवाल भी पूछती थी तो मैं कभी जवाब नहीं देता था, और अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो मैं पूछता नहीं था। इन हालात के साथ मैंने जो अपनी स्कूल की ज़िंदगी शुरू की। जो मैं किस्सा आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो दूसरी क्लास का है। मैं दूसरी क्लास से ही DTC की बस में अपने घर से स्कूल में जाता था, और क्योंकि कोई डायरेक्ट बस नहीं थी घर से लेकर स्कूल तक की, तो मुझे रास्ते में जो बस को बदलना पड़ता था। इस वजह से मैं कई दफ़े स्कूल में लेट हो जाता था। एक दिन मेरी टीचर बड़े गुस्से में आई और मुझसे पूछने लगी कि आप क्यों लेट आते हो। तो मैंने बड़ा डर के उनसे कहा, मैडम मैं लेट इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मैं DTC बस में आता हूँ और वो भी मुझे रास्ते में चेंज करनी पड़ती है। तो उन्होंने, उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन उन्होंने मुझसे दूसरा प्रश्न पूछा कि अगर ये बात है तो आप जो है स्कूल की बस क्यों नहीं ले लेते। तो मैंने बड़े इनोसेंटली उनसे कहा कि मैडम मैं स्कूल की बस इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरे फादर स्कूल की बस के पैसे नहीं दे सकते। ये सुनने के बाद कई बच्चे जो हो सकता है अच्छे घराने से हों, पैसे वाले घराने से हों, वो हंसने लगे। उनकी हंसी को सुन के और देख के मुझे रोना आ गया और मैंने रोना शुरू कर दिया। टीचर ने उन बच्चों को डांटा और उनको मुझे जो है क्लास के अंदर बुला लिया। क्लास चलती रही, उसके बाद जब क्लास ख़त्म हुई तो वो टीचर मुझे अपने ऑफिस में ले गई और उन्होंने जो मुझे कहा मुझे आज 58 साल बाद भी वो बात याद है। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इसमें अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर ना हंसे और ना ही तुम्हारे बच्चों पर हंसे तो ज़िंदगी में तुम अपने आप को कुछ ना कुछ बन के दिखाओ। वो दिन था, उस बात को आज 58 साल हो गए और मैं आज तक, मैंने किसी टीचर की फ़ोटो मेरे पास नहीं है, सिर्फ उस टीचर की फ़ोटो आज तक मैंने संभाल के रखी है, क्योंकि उस टीचर ने मुझे एक ज़िंदगी का एक मकसद दिया। एंड दैट वॉज द गोल विच आई गॉट इट, एंड माई रिकमेंडेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इज दैट मेक योर गोल एज अर्ली एज पॉसिबल एंड देन फॉलो इट पैशनेटली टिल यू अचीव इट। अपना गोल जो है जितनी जल्दी हो सकता है ज़िंदगी में बनाओ और उसको अपने दृढ़ निश्चय से उसकी तरफ बढ़ने की रोज आना कोशिश करो। द सेकेंड इंसिडेंट हैपेंड व्हेन आई वॉज इन 9th क्लास। हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि मैं साइंस सब्जेक्ट लेके कोई ना कोई बड़ा काम करूँ। लोगों के दिलों में ये धारणा थी और आज भी शायद ये धारणा है कि जिनके पास PCM सब्जेक्ट्स हैं वो ही ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं वो या तो लड़कियों के लिए हैं या उन बच्चों के लिए हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। तो खैर, उन्होंने मुझे जो है PCM सब्जेक्ट दिला दिए। पढ़ाई में मैंने जैसे आपको बताया मैं अच्छा नहीं था, और जब फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो मैं तीनों PCM सब्जेक्ट्स यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में फ़ेल हो गया।
ये मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए बहुत बड़ा झटका था। मेरे फादर अगले दिन ही स्कूल गए और जाके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को आप जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दो, क्योंकि मैं अपने बच्चे को जो है स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं एक साल और फीस नहीं दे सकता। प्रिंसिपल ने मेरे फादर को कहा कि आप जो है इसका यहाँ से मत ले जाओ, मुझे लड़के के ऊपर भरोसा है, आप इसको PCM सब्जेक्ट से लेके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में ले जाओ। और मैं 1.5 महीने बाद गर्मियों की छुट्टियों के बाद इसका 9th क्लास का पूरा सिलेबस का एग्ज़ाम लूँगा। मेरे फादर घर आए और उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल से जो बात हुई है। मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं जो है कुछ ना कुछ करके दिखाऊँगा। उन्होंने इस बात से एग्री किया और उस 1.5 महीने में मैंने 9th क्लास का पूरा सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पूरा किया और मैं फिर एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में ना मैं पास हुआ, एग्ज़ाम में मैं बहुत अच्छे नंबर मेरे हासिल हुए और मैं जो है 10th क्लास में मुझे प्रमोट कर दिया गया। ये जो ज़िंदगी का जो इंसिडेंट था, इसने मेरी पूरी एकेडमिक लाइफ को चेंज किया। मैं डिस्टिंक्शन मिली मुझे इकोनॉमिक्स में और मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स में रामजस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। द पॉइंट ऑफ विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट इज, एंड दिस पॉइंट इज स्पेशली फॉर द पेरेंट्स, कि बच्चों के ऊपर सब्जेक्ट्स को फोर्स मत करो, बच्चों को डिसाइड करने दो कि उनको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, क्योंकि बच्चे को पता है वो किस चीज़ में अच्छा है या किस चीज़ में अच्छा कर सकता है। एंड अगर ये मेरा जो है साइंस से ह्यूमैनिटीज़ में मुझे ना चेंज किया जाता तो मैं आज आपके सामने यहाँ पे बैठ के ये आपके बताने लायक काबिल नहीं बन पाता। जैसा मैंने आपको बताया, मेरा ज़िंदगी का मकसद था एक आर्मी ऑफिसर बनना। जब मैं कॉलेज में पहुँचा तो मैंने NCC ली और NCC में मैंने बहुत मेहनत की। मैंने 2 रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया। रिपब्लिक डे परेड में हिस्से का मतलब है कि रोज़ाना राष्ट्रपति भवन से लेके लाल किले तक परेड करते हुए राइफल लेके चलना, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड आई अटेंडेड ऑल द एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स, आई पास्ड ऑल द सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग सी सर्टिफिकेट। इसी दौरान मैंने NDA का 3 दफ़े एग्ज़ाम दिया और 3 दफ़े मैं मैथ्स में फेल हो गया, लेकिन मेरा मकसद जो था मैं अपने मकसद से नहीं हटा। ओम शांति ओम मूवी में शाहरुख खान ने एक बहुत फेमस डायलॉग बोला है जो काफ़ी लोगों को पता है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सेम थिंग हैपेंड विद मी। ऑर्डर्स आए गवर्नमेंट के कि जो NCC के बच्चे सी सर्टिफिकेट पास कर लेते हैं उनको IMA के लिए रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल मेरी ज़िंदगी का था वो रिटन एग्ज़ाम पास करने का था। मैं सीधा जो है SSB में गया। आई पास माई SSB इन द फर्स्ट चांस विदाउट एनी कोचिंग। एंड फॉर ऑल दोज हु डोंट नो, SSB इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू इन इंडिया। द सक्सेस रेट इज़ ओनली 5.6%। द लेसन विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट इज, कि ज़िंदगी में आप अगर गोल भी बना लेते हैं तो आपको जो है मुश्किलें आएंगी, अड़चने आएंगी, लेकिन वो अड़चने आपकी मेहनत से, आपकी जो है डिटर्मिनेशन से, वो या तो भगवान उनको अपने आप हटा देगा, नहीं तो आप उनको हटा देंगे। IMA की 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं जो है रेजिमेंट ज्वाइन करी। एंड आई ज्वाइन वन ऑफ द फाइनेस्ट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, दैट इज 20th लांसर। ये एक ही रेजिमेंट है जिसने 3 लड़ाई देखी हैं, 1962 की चीन के साथ, 1965 की और 1971 की पाकिस्तान के साथ। ये मेरी रेजिमेंट जो है संगरूर पंजाब में थी और इसके पास विजन टैंक थी। मैं एक दिन अपने टैंक गैरेज में बैठा हुआ था तो मेरा दिल करा कि क्यों ना मैं टैंक चलाऊं। हालांकि मुझे टैंक चलाना आता था, मैंने टैंक स्टार्ट किया और आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 40 टन वॉर मशीन को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर क्या फीलिंग आती है। उस फीलिंग के साथ मैंने टैंक को चलाना शुरू किया, लेकिन मैं इस चीज़ को भूल गया कि उस टैंक के जो ब्रेक डिफेक्टिव थे। मैंने स्पीड अप किया, जब सामने बिल्डिंग आई तो मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ब्रेक काम नहीं कर रहे थे टैंक रुका नहीं। एक्सीलेटर से पैर हटाया तो टैंक थोड़ा धीरे हो गया, लेकिन 40 टन का जो है चीज़ जब बिल्डिंग में जाके लगी तो बिल्डिंग नीचे गिर गई। शोर मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे और कुछ लोग जो है मेरी तरफ भागे, कुछ अपनी जान बचा के भागने लगे, कुछ लोगों ने जाके हमारे कमांडेंट साहब को इन्फॉर्म कर दिया। जब कमांडेंट साहब आए और उन्होंने उस बिल्डिंग को देखा कि क्या हालत हो गई है बिल्डिंग के, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मुझे टैंक से बाहर निकलवाया
और स्क्वाड्रन कमांडर जो कि मेजर साहब थे मेरे, उनको आदेश दिए कि शाम तक ये बिल्डिंग जो है रिपेयर हो जानी चाहिए, और उन्होंने कहा इस ऑफिसर को जो है सजा मिलेगी। एक ऑफिसर जिसकी कुछ ही चंदों की चंद महीनों की नौकरी थी, उसको सजा के आदेश मिलने से मैं बड़ा दुखी हो गया। मैं जाके कोने में बैठ गया। मुझे दुखी देखकर मेरे ट्रुप दफेदार जो कि फादरली फिगर थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि साहब जो कुछ हुआ सो हुआ, आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। और उन्होंने जो बात मुझे कही वो मेरी जो है आर्मी की लाइफ को उसने पूरा बदल दिया। उन्होंने मुझसे कहा साहब ये जो आप हादसा हुआ है और जो कमांडेंट साहब ने आपको पनिशमेंट देने के आदेश दिए हैं, इसको कभी ज़िंदगी में भूलना नहीं, इसको हमेशा याद रखना। और आज ये कसम खाओ कि जिस रेजिमेंट में आपकी पनिशमेंट के आदेश दिए गए हैं, आप उसी रेजिमेंट के कमांडेंट बने, और उस कुर्सी पे जिस कुर्सी से ये आदेश आए हैं उस कुर्सी पे आप एक दिन ज़रूर बैठे। मैं उन कमांडेंट साहब का बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस रेजिमेंट का कमांडेंट बनना है। मैंने उसके बाद जितने भी आर्मी के कोर्सेज किए उनमें सब में मैंने टॉप किया, जितने भी आर्मी के प्रमोशन एग्जामिनेशन किए उनमें मैंने टॉप किया, और जो आर्मी का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है जिसको डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहते हैं, जिसमें सिर्फ 10% ऑफिसर पास होते हैं, मैंने वो पहली चांस में पास किया। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि जिस रेजिमेंट में मुझे पनिशमेंट के आदेश दिए गए थे उसी रेजिमेंट को मैंने 20 साल बाद कमांड किया। इस हादसे से मैंने एक चीज़ सीखी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपके साथ एक्सीडेंट भी होंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, और हर नेगेटिव चीज़ के बाद कोई ना कोई पॉजिटिव ज़रूर होता है। तो उस नेगेटिव इवेंट को हमको ये देखना है कि इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं या जिसको हम चैलेंज बना सकते हैं। मैंने इस नेगेटिव इवेंट को एक चैलेंज बनाया, और अगर मैं चैलेंज नहीं बनाता तो मैं उस गैस के गुब्बारे की तरह होता जो हवा में छोड़ दिया जाता है और हवा के रुख की तरफ वो बढ़ता रहता है। हम हारे मगर मन को हमने कभी हारने दिया ही नहीं, मुश्किल है राहें मगर आसान तो हमने कभी कुछ किया ही नहीं। जय हिंद, थैंक यू।